हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, एम आई प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? एम आई प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? मैं आपका वैभव सर आपके लिए लेकर के आया हूं कुछ खास बात जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी तक, ठीक है? जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी तक, किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे हैं कि बात के अंदर जो हमारी भारी भरकम रिक्रूटमेंट निकल करके आई है, उन पोस्ट के अंदर आपके लिए यहाँ पर सिलेबस क्या होगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे यहाँ पर परेशान हो रहे हैं सर सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्या निकलने वाला है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, चाहे वो डिप्लोमा वालों के लिए हो, चाहे वो आईटीआई वालों के लिए हो, और चाहे वो किसी के भी लिए निकल करके आए, बीटेक वालों के लिए निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर सिलेबस क्या होगा वो सारी की सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं भारत की जो ये रिक्रूटमेंट है वो हम बात करते हैं, ऐसी खतरनाक रिक्रूटमेंट है जिस तरीके की डीआरडीओ सेक्टर की रिक्रूटमेंट आई हुई थी। और ये अगर हम देखें तो डिप्लोमा और आईटीआई के लिए एक काफी अच्छी वैकेंसी यहाँ पर निकल करके आती है, क्योंकि रिसर्चर्स की पोस्ट अगर हम आपके रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बात करें तो डिप्लोमा और आईटीआई वालों को यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का। तो इसमें देख लेते हैं हम यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर सिलेबस को मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हम यहाँ पर चलते हैं इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर। तो देखो यहाँ पर जो पोस्ट निकली है, यहाँ पर जो पोस्ट निकली है वो यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर सी की, जिसमें सिविल की ऑलमोस्ट 20 पोस्ट है। फिर हम बात करते हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की, जिसमें कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 के अंदर सिविल की पोस्ट निकल के आ रही है। कैटेगरी 1 की पोस्ट के लिए डिप्लोमा आपको बहुत जरूरी हो जाता है, और कैटेगरी 2 के अंदर अगर हम बात करें तो आईटीआई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल करके आ रहा है। तो ये बात हमें समझने की बात करते हैं, तो सबसे पहले इनके एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के लिए चलते हैं हम नीचे की तरफ, जहाँ पर दिया गया है एग्जाम पैटर्न के बारे में कि किस तरीके से एग्जाम पैटर्न को यहाँ पर मेंशन किया गया है। एक मिनट, ठीक है, चलो यहाँ पर आ जाते हैं हम, क्या हो गया यहाँ पर, ट्रेनिंग स्कीम्स हो गई है। ट्रेनिंग स्कीम्स के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी सिलेक्शन मेथड की। तो देखो सिलेक्शन मेथड के अंदर क्या बोला गया, सिलेक्शन मेथड के अंदर बोला गया है जहां पर टेक्निकल ऑफिसर सी की बात करते हैं, तो टेक्निकल ऑफिसर सी के अंदर आपके क्या है, टेक्निकल ऑफिसर सी के अंदर जो है आपका बीटेक एलिजिबल किया गया है। तो मतलब अगर आपके पास डिप्लोमा बीटेक है तब भी आप एलिजिबल रहते हैं, बीटेक के ऊपर कोई डिग्री है तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं, ये कंडीशन है। सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। तो बेसिकली जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो इंटरव्यू बेसिस पे यहाँ पर निकल करके आ रहा है, जिस पर इंटरव्यू बेसिस पे निकल के आ रहा है। लेकिन क्या बोला गया है आगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर टू बी कॉल्ड बाय द इंटरव्यू बाय कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जा सकता है, कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जा सकता है, जिसमें आपकी बात करते हैं यहाँ का ऑब्जेक्टिव अप्रोच के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक ऐसा डिसाइडेड नहीं हुआ है, अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होती है उस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये कंडीशन निकल करके आ रही होती है, ठीक है? तो ऑल इंडिया बेसिस पे अगर हम बात करें तो फिर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा देन आफ्टर इंटरव्यू के द्वारा फॉलो किया जाएगा। तो इंटरव्यू यहाँ पर डिसाइडेड है, और द डिसीजन ऑफ द सेंटर इज द रिकॉर्ड विल बी फाइनल, ठीक है? तो हम आगे जो भी डिसीजन लिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वहां पर फाइनल होगा। अगर साइंटिफिक असिस्टेंट बी या कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी की बात करते हैं, तो यहाँ पर कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो कि डिप्लोमा वालों के लिए पोस्ट निकल करके आती है, वहां पर कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें हम बात करते हैं 1 आवर ड्यूरेशन का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। कितना? 1 आवर्स। तो 1 आवर्स ड्यूरेशन का स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। सारे डाउट लास्ट में ले लूंगा, परेशान मत हो, ठीक है? सारे डाउट लास्ट में ले लूंगा, अभी परेशान मत हो, जो भी डाउट है लास्ट में ले लूंगा, बस अभी पहले सुन लो, जो मैं बात कर रहा हूँ वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? फिर हम बात करते हैं जल्दी कंडक्टेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। तो ऑल इंडिया बेसिस पर सीबीटी टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा, जिसमें 40 मल्टीपल क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, 40 अगर हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन निकल के आएंगे, मतलब 1 घंटे के अंदर 40 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो जो लेवल होगा, जो एमसीक्यू का लेवल होगा, वो थोड़ा सा हायर हो सकता है। न्यूमेरिकल को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाए, यहाँ पर इंक्लूड किया जाए, तो उस तरीके से अपन को थोड़ा सा प्रिपरेशन उस बेसिस पर लेके चलना है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 आवर में 40 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज्यादा का टाइम आपको मिल रहा है, ठीक है? और चॉइस ऑफ 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस होंगे, 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स विल बी नेगेटिव, मतलब
हर क्वेश्चन के लिए प्लस 3 मार्क्स होगा और नेगेटिव होने पर माइनस 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग यहां पर रखी गई है और प्लस 3 और माइनस 1 की बात करें तो टोटल पेपर कितने का हो गया 40 × 3 की बात कर रहे हैं यहां पर 120 मार्क्स का टोटल पेपर यहां पर निकल करके आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट द सिलेबस फॉर द सेट एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट डिप्लोमा एंड बीएससी लेवल। तो कुछ पोस्ट है बीएससी लेवल की थी तो यहाँ पर इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट की बात करें तो इंजीनियर्स के लिए जो हमारे यहाँ पर निकल करके आ रही है वैकेंसी वो डिप्लोमा बेस्ड ही होने वाला है। तो डिप्लोमा का जो भी सिलेबस होता है लाइक अगर हम बात करें सर्वे हुआ, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हुआ, अगर हम बात करते हैं एफएम हुआ, सोम हुआ, क्रॉस हुआ, अगर सॉइल की बात करते हैं सॉइल पे जो बेसिकली टेस्ट होते हैं तो टेस्ट बेसिस पे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टेस्ट वगैरह के रिगार्डिंग यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्लोमा बेस्ड सिलेबस की बात करते हैं एज द केस में भी दोस कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। मतलब एक और अच्छी बात मैं बता दे रहा हूँ, क्या जो कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज में क्लियर करेंगे वो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। मतलब ये बस सोचना है कि अगर डिप्लोमा लेवल की जॉब है तो कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी की जॉब है तो यहाँ पर डिप्लोमा भी होने वाला है, डिप्लोमा वालों के लिए भी इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड लेटर। ठीक है, अगर हम फाइनल सिलेक्शन की बात करें विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द इंटरव्यू, नो वेटेज विल बी गिवन फॉर द मार्क्स स्कोर्ड इन द स्क्रीन टेस्ट। मतलब दो स्टेज हो गई है, पहला सीबीटी टेस्ट होगा, दूसरा क्या निकल करके आएगा, दूसरा जो निकल करके आएगा आपका निकल करके आ रहा है, दूसरी चीज क्या निकल करके आ रही है यहाँ पर, दूसरी चीज निकल के आ रही है इंटरव्यू। तो केवल और केवल हम बात करते हैं जो स्क्रीनिंग टेस्ट होना है उसका कोई भी वेटेज यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, फाइनली इंटरव्यू के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। तो मतलब इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पर तैयार रहना, अगर हम बात करें 120 मार्क्स का ये है और यहाँ पर मैं इंटरव्यू की बात करें लेकिन इंटरव्यू के रिगार्डिंग अभी यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं दी गई है कि इंटरव्यू आपका कितने मार्क्स का होगा, बट फुल्ली फ्लैश तरीके से यहाँ पर तैयार हो जाना है, फुल्ली फ्लैश तरीके से तैयार हो जाना। ठीक है, अब टेक्नीशियन बी कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 स्टेज में एग्जाम हो रहा है, कितना 3 स्टेज, और 3 स्टेज कौन कौन से, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, स्टेज 2 होगा एडवांस टेस्ट होगा और स्टेज 3 होगा स्किल टेस्ट निकल करके आने वाला। तो आईटीआई ट्रेड के लिए कहीं ना कहीं स्किल टेस्ट हर जगह एलिजिबल किया जाता है, हर जगह इससे अगर हम आगे आईटीआई लेवल पे बात करते हैं तो हर जगह हम बात करते हैं या स्किल टेस्ट की बात कर रहे होते हैं तो स्किल टेस्ट यहाँ पर हर जगह आपको मिल रहा होता है। तो कंप्यूटर टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस फॉर स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट एंड स्टेज 2 एडवांस टेस्ट। तो 1 और 2 दोनों में ही सीबीटी होने वाला है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर निकल करके आएगा और इन अ सिंगल सेशन एंड एडवांस टेस्ट फॉर कंसर्न ट्रेड इन अ सिंगल सेशन। देखो इन अ सिंगल सेशन बोला मतलब एक ही दिन में हमारे प्रिलिमिनरी और एडवांस टेस्ट यहाँ पर आपके कंडक्टेड किए जा सकते हैं, मतलब एक ही स्टेज है जिसमें हमारे दो तरीके से होगा और उसमें क्या लिखा है कंसर्न ट्रेड, जो भी होगा टेस्ट जो एडवांस टेस्ट होगा वो कंसर्न ट्रेड, मतलब आप सिविल के लिए है तो सिविल के लिए, वेल्डर के लिए तो मैकेनिकल का हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेड है उनके कंसर्न जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होते हैं इंजीनियरिंग ब्रांच उनके कंसर्न्स आपको यहां पर निकल के आएगा। हाउ एवोल्यूशन ऑफ स्टेज 2 एडवांस टेस्ट विल बी कैरीड आउट ओनली दोस कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द स्टेज 1। मतलब एक ही दिन में अगर दो टेस्ट हो गए तो अगर आप प्रिलिमिनरी टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तभी आपका सेकंड स्टेज यानी एडवांस टेस्ट के लिए यहां पर आपका एवोल्यूशन किया जाएगा, अदरवाइज आपके एवोल्यूशन नहीं होता है, आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, ये बात मान करके चलिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कंडीशन दूसरा प्रिलिमिनरी टेस्ट के अंदर आपसे पूछा क्या जाएगा, एक क्वेश्चन आता है प्रिलिमिनरी टेस्ट के अंदर पूछा क्या जाएगा, तो देखो स्क्रीनिंग में जो होगा वो एमसीक्यूज होंगे 50 एमसीक्यूज होने वाले हैं, 50 एमसीक्यूज होने वाले हैं और 1 आवर का ड्यूरेशन यहां पर होने वाला है। सबसे देखो तो 3 मार्क्स यहां पर होंगे और 1 मार्क्स का नेगेटिव होगा, मतलब प्लस 3 माइनस 1, तो दोनों ही डिप्लोमा हो चाहे आईटीआई प्लस 3 माइनस 1 होने वाला है। बट ध्यान देना पहले 40 क्वेश्चन थे यहां 50 क्वेश्चन इसमें मैथमेटिक्स साइंस और जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, मैथमेटिक्स जो होगा वो आपका 10th लेवल का मैथमेटिक्स आएगा, जो एटीट्यूड की बात करते हैं वो एटीट्यूड भी हो सकता है और 10th लेवल का मैथमेटिक्स यहां पर पूछा जाएगा। साइंस बात करेंगे तो 10th से लेकर 12th लेवल का साइंस, तो 10th से 12th लेवल का मैथमेटिक्स हो सकता है, 10th से 12th लेवल का साइंस हो सकता है और हमारे जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन यहां पर लग जाएंगे। तो आसानी से आप यहां पर ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप आसानी से इनमें नंबर को खींच सकते हैं, बिल्कुल बात बिल्कुल सही लग रही है। की बात करें तो यहाँ प्रिलिमिनरी टेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर 50 क्वेश्चन की बात करें बड़े आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैंने बात की कि फिजिक्स के मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स दिए हुए AIITC वाले, वो भी आप देखेंगे तो फिजिक्स का बहुत कुछ पोर्शन वहाँ पर कवर अप हो जाता है। ठीक है,
इसी YouTube चैनल पर अवेलेबल। All candidate with a less than 40% in general category, less than 30% in the result category will be screened out. तो minimum qualification mark 40% general category के लिए और 30% इसके लिए reserve category के लिए required होता है। अब advanced test में बात करेंगे तो इसके भी आप 50 question निकल कर आएंगे, 50 question निकल कर आएंगे, ये 2 hours का question होगा, मतलब 2 hours में 50 question। अब देखो यहाँ पर 50 question निकल कर आएंगे, जो level होगा वो किसका होगा, वो ITI level, यानी आपका trade से related आप ध्यान रखो कि वन लाइनर ही नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस भी यहां पर आपसे किए जा सकते हैं। तो जैसे आईटीआई में बात करें ड्राइंग वगैरह की बात करते हैं, तो ड्राइंग वगैरह भी यहां पर आपसे पूछी जा सकती है कि ड्राइंग वगैरह के रिगार्डिंग क्या कैसी कंडीशंस होगी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहां पर पूछे जा सकते हैं। तो ड्राइंग वगैरह की चीजें भी यहां पर पढ़ करके जाना। स्किल टेस्ट की बात करोगे तो स्किल टेस्ट की बात करेंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्टेड होंगे उनके लिए क्या हुआ, तो यहाँ पर कॉलिंग पॉइंट ऑफ स्टेज 2 नॉट एक्सीड 4 टू 5 टाइम्स इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, तो 4 टू 5 टाइम्स तक यहाँ पर सेलेक्ट किए जा सकते हैं यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए। और अगेन बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय स्टेज 2 हम बात करते हैं जो स्टेज 3 के लिए निकल करके आएंगे। और स्किल टेस्ट की बात करते हैं यहाँ पर कि रिजोल्यूशन ऑफ द इवेंट द एम्पिरिकल क्राइटेरिया ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है, क्या कैंडिडेट विद लोअर नेगेटिव मार्क्स इन द स्टेज 2 विल बी प्लेस हायर, मतलब दो कैंडिडेट हैं जिनके हम बात करते हैं सेम मार्क्स आ रहे हैं, जिसके नेगेटिव कम होंगे उसको ऊपर रखा जाएगा, जिसके नेगेटिव ज्यादा होंगे वो नीचे आएगा। कैंडिडेट हायर मार्क्स इन स्टेज 1 प्लेस हायर, तो वो हमने बात कर लिया लोअर नेगेटिव मार्क को हम बात करते हैं यहां पर हायर रखा जाएगा ये स्टेज 2 में, ये स्टेज 1 में, ठीक है। और कैंडिडेट विद द हायर पॉजिटिव मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर ये सारे क्राइटेरिया सेम हो जाते हैं तो मैथमेटिक्स को प्रायोरिटी दे दी गई कि मैथमेटिक्स में जिसके ज्यादा आएंगे उसको ऊपर रखा जाएगा। जिसमें आपको सभी कुछ मिलने वाला है और बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन होगी और वैभव कोड के साथ मोर देन 50% का डिस्काउंट आपको यहां पर मिलने वाला है। कैसे मिलेगा सर? सर कैसे मिलेगा, तो इस वीडियो के जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाते हो, वीडियो के जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाते हो यहां पर डिस्क्रिप्शन में जाने पर आपको जो तो यहाँ पर मिला है भाई बार स्टाइप एंट्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और स्टाइप एंट्री कैटेगरी, अगर हमें स्टाइप एंट्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2 का पूरा कोर्स है। अगर आप 1 के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर 1 पर क्लिक कर देंगे और इस कोर्स के अंदर देखोगे यार बहुत ही प्यारे तरीके से प्लान कर दिया टेस्ट ने, तुरंत के तुरंत ही आपके लिए प्लान कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको मिल रहा है यहाँ पर क्या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल के कंप्लीट कोर्सेज के साथ साथ सिविल में 1 साल का कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो जनरल साइंस का कोर्सेज है वो भी यहाँ पर कवर अप होगा, वो पोर्शन भी यहाँ पर कवर अप होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे जिसमें आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस यहां पर निकल कर आने वाले हैं, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस और डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। और यहां पर पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज एज पर द बार जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उनके बेसिस पर पूरा का पूरा यहां पर टेस्ट सीरीज यहां पर प्लान कर दी गई है, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल निकल जाएगी। सेशन को शेयर और लाइक कर दो फटाफट से गाइस। तो यहां पर नोट्स के साथ-साथ आपको क्या मिला है, 3-1 सब्सक्रिप्शन और 6-1 सब्सक्रिप्शन मिला सकते हैं। तो यहां पर ये थोड़ा सा महंगा आया, एक काम करो कोड अप्लाई कर दो, कौन सा कोड अप्लाई करोगे आप,
कौन सा कोड अप्लाई करोगे जल्दी लिखो वी ए आई बी एच ए बी और वैभव कोड को जैसे ही अप्लाई करोगे यहाँ पर 2014 एक बहुत ही प्यारा नंबर 2014 में 3 मंथ का कोर्स और हमारे 2599 में 6 मंथ का कोर्स मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप कैटेगरी 2 के लिए जाना चाहें तो कैटेगरी 2 के लिए जा सकते हैं, उसमें भी कंप्लीट कोर्स यहां पर कंप्लीट सब्जेक्ट्स के साथ प्लान किया गया है जो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड, फिटर ट्रेड, मैथमेटिक्स ट्रेड, साइंस है और हम बात करते हैं जल्दी ही डॉक्टर और बाकी सारे ट्रेड्स के लिए भी यहाँ पर कोर्सेज इंक्लूड कर दिए जाएंगे। अगर आपका कोर्स नहीं है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप किसके लिए कोर्स चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर केस में भी आपको लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स के साथ साथ करंट अफेयर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो 200 से ज्यादा लाइव कोर्सेज यहाँ पर मिलेंगे, सॉरी लाइव यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगी और टेस्ट सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल निकल जाएगी। अगेन 2099 2499 क्या करोगे कोड अप्लाई कर दोगे, कोड क्या अप्लाई करोगे मेरे बच्चे, कोड अप्लाई करोगे वी ए आई बी एच ए बी और वैभव कोड को जैसे ही अप्लाई करते हो यहाँ पर ये 1949 और 2274 में आपको मिलने वाला है। तो इससे बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा बेटा, आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सिलेबस अभी तक प्रॉपरली अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से निकल कर आएगा कि डिप्लोमा लेवल हम आते हैं आईटीआई लेवल, तो ये इससे प्यारा मौका फिर से नहीं मिलने वाला है, ठीक है, फिर से नहीं मिलने वाला है। तो ये हमें ध्यान देना है यहाँ पर, इससे प्यारा मौका नहीं मिलने वाला है। अब देखो यार जो एज रिलैक्सेशन का तुम डाउट पूछ रहे हो बार बार पिछले सेशन में भी इस सेशन में भी, वो मैं बता देता हूँ। एज रिलैक्सेशन जो है वो कैटेगरी 2 के लिए यहाँ पर तुमको ऐसा दिया गया है कि देखो ट्रेनिंग स्कीम में बात है कैटेगरी 2 के लिए 22 तो कैंडिडेट हमारे यहाँ पर होना चाहिए। एक्सटेंड ऑफ द एज कंसेशन एंड रिलैक्सेशन की बात करें तो देखो यहाँ पर ओबीसी की बात करते हो यहाँ 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। क्लियर है बात, उम्मीद क्लियर है, आई थिंक यहाँ पर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या है आपको 45 इयर्स, अगर 45 इयर्स तक तब भी यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देने की बात कर, ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सारी चीजें क्लियरली क्लियर लिखी हुई है, आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा मैं सारी चीजें बताए बाद आपको बता दूंगा, क्लियर है। चलो तो सेशन को शेयर और लाइक करना फटाफट से और जल्दी ही हम इसके लिए सेशंस भी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस। तो जल्दी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो यार क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लिखो आया। ओके गाइस तो मिलते हैं 9 बजे अपने पीजीसीएल के सेशन, ओके चलो थैंक यू एवरीवन। तो मैं आपके लिए हमेशा यहाँ पर खड़ा रहा हूँ, चाहे कोई भी एग्जाम हो तो इस एग्जाम में भी हम बिल्कुल मचा देंगे, बिल्कुल मचाने वाले, ठीक है, तो बिल्कुल सेशन को शेयर और लाइक करो। थैंक यू एवरीवन।